दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और हम बनारस के शास्त्री घाट पे हैं, और जिस तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, और देखिए इसके आजाद समाज पार्टी के भी लोग हैं, और इनसे बात कर लेते हैं महिला सम्मान में तमाम तरह के आजाद। तो जिस तरीके से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या कुछ है, ये बताइए कि किस लिए आप लोग, हम आपके साथ हैं, जिंदाबाद। हम लोग जो ये आरक्षण के घोटाला बार बार सरकार कर रही है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे भाई अभी चंद्रशेखर रावण जी क्यों हमें धन्यवाद लेना, और भी लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग किस चीज़ का मांग कर रहे हैं। देखिए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। और हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं, और जाति जनगणना इसलिए चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी संख्या के हिसाब से उसको आरक्षण प्रोवाइड करना चाहिए। जिस तरह से सरकार की रवैया रही है, आए दिन ये आरक्षण पे घमला घात कर रहे हैं, ऐसे हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम आरक्षण के समर्थन में हमारा एक बहुत बड़ा रैली भी हुआ है अभी MP मध्य प्रदेश भोपाल में, और आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से हम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग आरक्षण सुनिश्चित रहे, और ठेकेदारी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी हमारी आरक्षण सुनिश्चित कराया जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग जो मांग है, आपकी मांगे लग रहा है कि सरकार मानेगी। हियर वी आर गैदरिंग फॉर द मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच लाइव इन द मेजर पॉपुलेशन नोन एज द बहुजन समाज। स्ट्रिक्टली वी आर हियर गैदरिंग फॉर द मेमोरेंडम। द की फीचर इज दैट द गवर्नमेंट सेक्टर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द वर्क SC/ST एंड माइनॉरिटी सेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड बाई द मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड वी स्ट्रिक्टली डिमांडेड द की फीचर्स। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ भारी मात्रा पे आए हुए हैं। हम लोगों की लड़ाई सिर्फ अपनी हक की लड़ाई है, हम लोग चाहते हैं हमारे हम लोगों का जो हक है हमको मिल दिया जाए, और बाकी जातिगत जनगणना कराया जाए। और जय भीम, जय भीम। और क्या कहेंगे आप इसके लिए? जय भीम। मैं तो चाहता हूँ संविधान के साथ जरा से भी छेड़छाड़ ना हो, और हमारे जो OBC SC/ST भाई के साथ उनके आरक्षण के साथ जो घोटाला किया जा रहा है, ये हमें बहुजनों से एक आह्वान दिया जाएगा कि अगर ये सरकार मेरे पिछड़ों भाइयों के साथ अगर जरा से भी अत्याचार हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो करना होगा वो कर गुजरेंगे, चाहे मेरी गर्दन ही कट जाए। मैं OBC और SC/ST के लिए हक और अधिकार के लिए जरूर लड़ूंगा, और उसे सरकार को घुटनों पर जरूर झुकाऊंगा। ये बहुजन सरकार के माध्यम से लगता नहीं है कि ये सरकार SC/ST के लिए काम कर रही है। ये सरकार सभी को दिख रहा है, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर ला करके बहुजनों के बच्चों का जो शिक्षा करते थे, शिक्षा से लेकर के हर चीज़ों को महंगाई बढ़ाते बढ़ाते आज उनके नौकरी में भी बाधक आ गया है। जैसे प्राइवेट सेक्टर करने से हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में तो जाएंगे नहीं, वो तानाशाही चलेगा। सरकारी में बहुजनों का अधिकार होता है, उस विभाग में सरकारी विभाग वो मेरा विभाग होता है, न कि प्राइवेट का होता है। जब प्राइवेट हो जाता है तो वो मेरा नहीं होता, एक व्यक्ति का अधिकार उस पर रहता है, वो जब चाहता मुझे रखे, जब चाहता वो निकाल सकता है। लेकिन सरकारी जब प्रॉपर्टी होता है तो सभी व्यक्तियों का उस पर अधिकार होता है, उस अधिकार के माध्यम से वो अपना काम भलीपूर्वक करवा। आरोप लगाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार के नेतृत्व में कर्मचारी अपना काम करते हैं, लेकिन सरकार उनसे ज़्यादा काम लेना चाहती है और उनका शोषण भी करती है। जातिगत आरक्षण को लेकर जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ UP में चालू हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हमारी संख्या इतनी है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जिसकी संख्या रहते हो भी क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? कमज़ोर इसलिए पड़ रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। हम सत्ता में नहीं, इसलिए कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमारा अभी संगठन मजबूत हुआ है, संगठन के साथ साथ हमारी सत्ता मजबूत रहे। चुनाव जब आता है तो उस समय क्यों नहीं बता देते कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल बताया जाता है चुनाव में कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। बाकी क्या है कि देखिए, अब PM मोदी जी ने क्या किया है कि हमारे
लोगों को आरक्षण खत्म कर रहा है या सरकारी में ख़त्म करे आरक्षण सरकारी में ख़त्म कर दिए हैं। क्या है कि जो बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी दी, आरक्षण दिया, अब वो ख़त्म करके जब सरकारी नौकरी ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर में डाल देंगे तो प्राइवेट सेक्टर वालों को क्या आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो रहेगी वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग को नहीं रखेंगी, वो अपने हिसाब से रखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आरक्षण वाले में हम लोग नहीं घुस पाएंगे और सरकारी में भी हट जा रहा है और प्राइवेट में भी हट जा रहा है। इसी वजह से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण मेरा बचा रहे। ठीक है, तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और इनका सीधे तौर पे मांग है कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर ये मांग कर रहे हैं और सीधे ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि ये सरकार इनकी बातें करती है, लेकिन ये बनारस के शास्त्री घाट पर आज ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपनी मांग भी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार क्या करती है, इनकी बातें मानती है या नहीं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।